सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट डाली गई है उसके जो धातु और अधातु चैप्टर नंबर 3 उसके ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले एक अध्याय और दो अध्याय दोनों के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए ऑब्जेक्टिव के, और ये ऑब्जेक्टिव होने के बाद हम जो है क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन भी एक एक करके डालेंगे। पहले सभी चैप्टरों के हम ऑब्जेक्टिव डालेंगे, उसके बाद में जो जो सॉल्यूशंस होंगे बड़े क्वेश्चंस का उनका सॉल्यूशन भी एक के बाद एक हम डालते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न से कौन सा गुण प्राथमिक धातु के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो विद्युत का चालक, कंडक्टर होती है, धातु जितनी होती है उसमें सब धारा प्रवाहित होती है, मतलब कंडक्टर होती है धातु, एक होता है गुण। ध्वनि प्रकृति, उसको हम ठोकते पीटते हैं तो साउंड आती है, ध्वनि आती है, ये भी होता है गुण। चमकहीनता, ब्राइटनेस, जो ब्राइटनेस होती है वो ब्राइटनेस लेस होती है क्या? नहीं, चमकीली होती धातु, चमकहीन नहीं होती, चमकीली होती है, तो ये वाला गुण उसमें नहीं पाया जाएगा। और तन्यता, मतलब उसको खींच के अपन तार बना सकते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है, उसको तांबे के तार या सोने के तार को हम लंबा खींच के बना सकते हैं। तो ये वाले तीन गुण हो गए, ये तीन गुण धातु प्रदर्शित करेगी। कौन कौन सी? चालन भी होगा, साउंड भी आएगी, उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होगी, और तन्यता मतलब जिसके तार भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाला जो गुण होता है चमकहीनता, चमक होती है, हीनता नहीं, चमकलेस नहीं हो, ब्राइटलेस नहीं है, तो ये वाला जो गुण होगा ये आंसर सही होगा, ये तीन आंसर गलत होगा। यदि मान लो कि गुण प्रदर्शित होते हैं तो तीनों गुण प्रदर्शित होते हैं, लेकिन ये वाला गुण प्रदर्शित नहीं होगा। यदि यहाँ चमक आता तो वो भी गुण प्रदर्शित होता, लेकिन चमकहीनता मतलब कोई चमक नहीं होती, जितनी भी धातु होती है चमकीली होती है। ध्यान, निम्न से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? देखो सोडियम भी बहुत सक्रिय धातु है, ये भी पानी के साथ क्रिया करती है, कैल्शियम भी सक्रिय धातु है, मैग्नीशियम भी सक्रिय धातु है, लेकिन लोहा जो होता है वो कम सक्रिय धातु होती है। तो ये तीन बहुत सक्रिय धातु की क्रिया करेगी, और ये जो मैग्नीशियम आयरन होता है जिसको लोहा बोलते हैं, आयरन, ये इसके साथ क्रिया नहीं करता है। लोहा, ये लोहे का सूत्र आयरन का, लोहा ठंडे जल और पानी के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। बाकी सभी धातुएं जो होती है पानी या ठंडे जल के साथ क्रिया करती है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है? स्वतंत्र अवस्था मतलब जो क्रियाशील बहुत कम होती है, जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, ऐसी कौन सी धातु होती है? तो हम पढ़ चुके हैं सोना और चांदी जो धातु होती है ये बहुत अक्रिय मतलब क्रियाशीलता इनकी बहुत कम होती है। तो इस पे ऑप्शन में दे रखा एयू गोल्ड, सोना, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितनी भी धातु कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम, ये क्रिया कर लेती है, इसलिए इनको क्रियाशील धातु कहते हैं। और गोल्ड है, सोना है, ये जो धातुएं होती है ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाई जाए। स्वतंत्र अवस्था मतलब क्रिया नहीं करती, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इसको फ्री स्टेट में ये पाई जाती है। स्टेनलेस स्टेट में जीवन के लेते हैं तो क्योंकि इसमें आयरन के साथ कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? देखो स्टेनलेस स्टेट में क्या होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, और कुछ मात्रा में कार्बन भी होता है, ध्यान रखना। तो निकल, क्रोमियम और आयरन, इसका ये मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील, निकल और क्रोमियम के साथ में आयरन होता है। सामान्यतः धातु चमकहीन होती है, अपने को पता है कि धातु जो है चमकहीन होती है, लेकिन निम्न कौन सी धातु चमक होती है? एक ऐसी अधातु जो चमकीली होती है, आयोडीन, आयोडीन जो होती है वो अधातु होती है, लेकिन वो चमक चमकीली होती है, ब्राइटनेस होती है उसमें, चमकीली होती है, बाकी कोई चमक नहीं होगी। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें चमक नहीं होती, केवल आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमकीलापन होता है, ब्राइटनेस होती है। यदि यद्यपि धातु सारी ऑक्साइड बनाती है, लेकिन इनमें कौन सी धातु उभयधर्मी, उभयधर्मी मतलब जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों बनाएंगे, तो एल्यूमिनियम जो होता है ये दोनों ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और क्षारीय ऑक्साइड भी बनाता है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो भी है। निम्न में से विशेष धातु मरकरी एक अवयव की तरह व्यवहार करता है, मरकरी मतलब अमलगम, जो अमलगम होता है उसको मरकरी बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है, जिंक अमलगम, बाकी में अमलगम नहीं है। जब भी मरकरी किसी के साथ जुड़ा होता है उसको अमलगम बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं।
सामान्यतः धातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? अधातु कुचालक होती है, लेकिन एक ऐसी अधातु जो सुचालक होती है, कंडक्ट करती है, मतलब जिसमें करंट फ्लो होता है। तो हमने ज्यादातर सेल में देखा हुआ जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की रॉड सेल में हम लगाते हैं, वो रॉड क्या होती है, एक तरह से कंडक्टर होती है, सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ग्रेफाइट इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिश्र धातु एक अधातु में दूसरी अधातु अथवा अधातु के समान ही मिश्रण होती है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु अधातु अवयव होता है? मतलब एक ऐसी मिश्र धातु का नाम बताना अपने को जिसमें अधातु भी मिली होती है। सामान्यतः जो धातु मिश्र धातु होती है धातु से मिलकर बनती है, लेकिन एक धातु ऐसी भी है, मिश्र धातु ऐसी भी जिसमें अधातु अवयव पाया जाता है। तो पीतल जिस कापर और जिंक से मिलकर बनती है मिश्र धातु, कापर भी धातु है, जिंक भी धातु है, कापर ऑलरेडी धातु है, अमलगम पारा HG ये भी धातु होता है। इसमें स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, कार्बन होता है, कार्बन अधातु होती है, इसलिए ये स्टील वाला आंसर सही हो जाएगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, मतलब जिसको पीट पीट कर हम चादर बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, ऐसी धातु कौन सी होती है? सोना। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय सोना होती है, ध्यान रखना। सोना और चांदी दोनों आघात वर्धनी धातु कहलाते हैं। आघात वर्धनी का मतलब जब किसी धातु को पीटते हैं तो उसकी चादर बन जाती है, पतली पतली चादरें बन जाती है, उसको बोलते हैं आघात वर्धनी धातु का गुण कहलाता है। किसका गलनांक कम होता है? मैग्नीशियम, लोहा, सोना, ये सभी धातु है। गैलीनियम भी धातु होती है, लेकिन गैलीनियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यदि 30 डिग्री या इससे ज्यादा यदि टेम्परेचर कर देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। गैलीनियम है, मरकरी है, मरकरी तो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु है। इसके साथ फ्रांसियम है ये, और हमारे पास में ये जो होते हैं द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम होता है, ये सब मेटल होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, गलनांक अधिक होता है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा गैलीनियम। थर्मामीटर, बैरोमीटर कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? मेरे को नहीं पता है, मरकरी या पारे का उपयोग करते हैं, क्योंकि पारा चमकीला होता है, इसलिए उसमें आसानी से रीडिंग देख सकते हैं, शुद्धतापूर्वक आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम पारे का उपयोग करते हैं। पतले तार में धातु खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, अभी हमने पढ़ा था कि जब धातु के तार खींचते हैं तो वो गुण क्या कहलाता है, उसका तन्यता, डक्टाइल कहलाता है, तन्यता कहलाता है, इस गुण को तन्यता कहलाता है। चादर खींचते हैं उसको आघात वर्धनी कहते हैं। चालकता मतलब धारा प्रवाहित होती है, और आवाज आती है उसको ध्वनि तार बोलते हैं। विद्युत तारों पर एक अचालक पदार्थ की परत चढ़ी होती है, सामान्यतः इसके प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? हमने देखा जो तार होते हैं उसमें PVC वायर जो होता है ऊपर चढ़ी होती है, तार कवर्ड होता है उसके ऊपर, कवर सुरक्षा के लिए। निम्न से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? अधातु ब्रोमीन, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सब जो होती है ठोस अवस्था में या अन्य अवस्था में पाई जाएगी। निम्न में से चार धातु में से कौन सी धातु अपने विलय में से अन्य तीन धातु को विस्थापित कर देगी या स्थापित होगी? देखो इसमें सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? Ag, तो Ag सब में से विस्थापित हो जाएगी, बाकी अधिक क्रियाशील है, तो ये जो क्रियाशील धातु Ag को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी, क्योंकि Ag क्रियाशीलता सबसे कम होती है। ये अक्रिय गैस, अक्रिय मतलब धातु होती है, मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं करती, लेकिन ये मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर, ये क्रियाशील धातु होती है, तो Ag आ जाएगा इसमें। धातु ऑक्साइड की प्रकृति, धातु जितने भी ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ध्यान रखना। क्षारीय प्रकृति के होते हैं बेस प्रकृति, पीतल एक मिश्र धातु होती है, पीतल में क्या होता है? कापर और जिंक होता है, जिंक और कापर को मिलाकर मिश्र धातु बनती है, उसको हम पीतल बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। किस प्रकार की धातु उत्कृष्ट धातु होती है? उत्कृष्ट मतलब नोबल मेटल, मतलब जो क्रियाशील नहीं होती है, जिसकी एक्टिविटी या कह सकते हैं जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, यानी अक्रियाशील गैस, जिसकी क्रियाशीलता क्या होती है, एक्टिविटी बहुत कम होती है, उसको अक्रियाशील गैस बोलते हैं या अक्रियाशील धातु कहते हैं। सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, हमने पढ़ा था कि सोडियम जो होता है मिट्टी के तेल में रखता है, क्योंकि मिट्टी के साथ कोई क्रिया नहीं करता, यदि वायु के संपर्क रखते हैं तो वो जलने लगता है, आवाज आने लगती है, इसलिए उसको हमेशा मिट्टी के तेल में ही सुरक्षित रखा जाता है, सोडियम है, पोटेशियम है। वो जब पानी धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अपने पता है जब भी पानी या धातु मिलती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जब भी पानी हाइड्रोजन, पानी और जो है कोई धातु क्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस उसमें उत्पन्न होती है।
जब पानी, ये जो एक क्वेश्चन है रिपीट होता है दोनों, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम, ये मुलायम धातु होती है जिसको हम आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। सोडियम को जाना, सोडियम जो होती है एक मुलायम धातु होती है, सॉफ्ट मेटल होती है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। बाकी जो कठोर धातु होती है, लोहा, कैल्शियम, सोना, ये कठोर धातु होती है, उसको हम चाकू से काट नहीं सकते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करके या यौगिक जल में विलय ये तत्व का क्या हो सकता है? देखो, जल में विलय केवल एक ही धातु कैल्शियम, जाना, बाकी जल में विलय नहीं होते हैं। कैल्शियम को यदि जल में डालते हैं तो घुल जाता है। मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु क्या होती है? एक होमोजीनियस मिक्सर होती है, एक समांगी मिश्रण होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट के जो एमपी बोर्ड की क्वेश्चन बुकलेट, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा इसी ऑब्जेक्टिव्स का, और इसके ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद में क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चनों का वीडियो बनाया जाएगा जो क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन डाले गए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।